गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आई एम माधवी, योर एसएसटी टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 47 है. बच्चे, प्रीवियस क्लास में हमने इसका बुक वर्क कंप्लीट किया था. जिन भी बच्चों का बुक वर्क कंप्लीट ना हो, वो अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्लाइमेट इन योर वर्ड्स. हमने क्लाइमेट पढ़ा था क्या होता है, तो ये हमसे वही पूछ रहे हैं कि क्लाइमेट को डिफाइन कीजिए आप अपने वर्ड्स में कि क्लाइमेट क्या होता है. आंसर, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर मैनी ईयर्स. देखिए, क्लाइमेट जो है वो वेदर की एवरेज कंडीशन है फॉर अ प्लेस, किसी भी प्लेस के लिए बहुत लंबे समय के लिए. देखिए, जो वेदर है ना वो कंसीडर किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, लेकिन जो क्लाइमेट है वो कंसीडर किया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए. तो किसी भी प्लेस का, किसी भी स्थान का लंबे समय तक का जो मौसम होगा, लंबे समय तक की मौसम की जो कंडीशन होगी, वो हमारा कहलाएगा क्लाइमेट. तो अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का क्या क्लाइमेट होता है, तो हम कहेंगे कोल्ड क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक क्या रहती है, ठंड रहती है. वहाँ का इवन तो मौसम ही ठंडा होता है वहाँ का, है ना. तो एक चीज़ याद रखना, क्लाइमेट कंसीडर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड जो हमारा वेदर है वो कंसीडर किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए. तो क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए किसी भी प्लेस की जो मौसम की कंडीशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आज ना बहुत गर्मी है, तो आप इसको वेदर में कंसीडर करोगे या क्लाइमेट में? इसको आप वेदर में कंसीडर करोगे क्योंकि मैंने आज की बात की है, ठीक है, या आज कल बहुत गर्मी है तो भी वेदर में कंसीडर होगा ये. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो मेन सीजन्स हैं आपको उनके नाम बताने हैं. देखो, वैसे मैंने आपको 5 सीजन्स बताए थे, है ना, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन और ऑटम सीजन, और कौन सा सीजन था, समर सीजन, है ना, ये सारे थे. मैंने आपको सीक्वेंस वाइज नहीं बताए, लेकिन ये 5 हमारे सीजन थे. अब इन्होंने पूछा है मेन सीजन कितने हैं इंडिया में, ठीक है. तो इंडिया के 3 मेन सीजन हैं. फर्स्ट है हमारा समर सीजन, देन रेनी सीजन, एंड देन विंटर सीजन, ठीक है. 3 ही सीजन है हमारे, जिसमें से समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन हमारे मेन सीजन है. बाकी 2 अदर सीजन जो है वो भी इंडिया में है, लेकिन मेन सीजन जो है वो ये 3 ही माने जाते हैं, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, वाई आर माउंटेन रीजन्स कूल इवन इन द समर सीजन. आपने देखा होगा गर्मी की जब छुट्टियाँ होती है ना, हम लोग क्या कहते हैं, हम तो मनाली जा रहे हैं, हम तो नैनीताल जा रहे हैं, हम तो शिमला जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं हम लोग राजस्थान क्यों नहीं जा रहे गर्मी में? भाई मौसम तो सेम है, तो हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम जो ये शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये सारे हाइट पे हैं, है ना, इसलिए हम जा रहे हैं. और हाइट पे, माउंटेन्स पे ठंड रहती है. तो इनका क्वेश्चन ही यही है कि माउंटेन रीजन जो है वो कूल क्यों रहते हैं, ठंडे क्यों रहते हैं, गर्मी के मौसम में भी ठंडे रहते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है. बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो हायर इन एल्टीट्यूड. क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में हाई जाते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता जाता है. इसीलिए जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है. आपने देखा होगा हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी में जब हम कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं ना, तो वहाँ का मौसम नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ का होता है वैसे वहाँ का होता है. लेकिन जब हम चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट करते हैं, जो और जब जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, और टॉप पर जाकर तो जहाँ पर माता का दरबार है, इतनी ठंड होती है कि आप पैर जो है ना वो फ्लोर पे टच नहीं कर सकते, इतना ठंडा होता है वहाँ का मौसम, ठीक है. तो इसीलिए क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है. तो क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी ठंड जो है वो बढ़ती जाती है. इसीलिए जो हमारे माउंटेन रीजन्स हैं वो समर सीजन में भी कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं. तो आपके ये 3 क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने आपको करवाए. अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सुंदर सुंदर डेट डाल के, चैप्टर नंबर, ठीक है. बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, बाय.